ओम मंत्र को इस प्रकार बोलेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ एक दो बार बोल के। साधको जब ओम मंत्र बोलते हैं तो जी ये जो उकार ओ उसको दीर्घ दीर्घ एकदम ऊपर, और मन को सिर के ऊपरी भाग में, यहाँ जो रंध्र का क्षेत्र है इसके ऊपरी भाग को मन को यहाँ पर केंद्रित करते हैं और फिर ओम बोलते हैं। और इसमें थोड़ा ये बता दूँ कि जब ओम का अभ्यास ज़्यादा हो जाता है तो अब यहाँ पर यानी सिर के ऊपरी भाग में कुछ गुदगुदी जैसी होने लगती है या चीटियाँ सी चलने लगती हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ हलचल हो रही है। और मंत्र बोलते समय ही नहीं, अभ्यासी का जब अभ्यास ज़्यादा बढ़ता है तो कभी बिना मंत्र यानी मंत्र नहीं बोलते हैं, जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं या शांत अपने घर में बैठे हुए हैं, तब भी वहाँ पर गुदगुदी या हलचल या कुछ होने लगता है। उसका कारण है कि उस क्षेत्र की जो नाड़ियाँ होती हैं वो क्रियाशील होने लगती हैं, और उसमें कुछ बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। बहुत से साधक भ्रमित होने लगते हैं कि उनका ब्रह्मरंध्र खुल गया है, और कुछ साधक तो यहाँ तक भ्रमित होते हैं कि उनका सहस्रार खुल गया, क्योंकि उनके सिर में ऊपरी भाग पर कुछ हलचल होते हैं या कुछ लग रहा है कि वहाँ कंपन होता है और क्रिया होती है या प्राणवायु भर गया। मगर ऐसा नहीं होता है। मन जहाँ पर आप केंद्रित करेंगे उस क्षेत्र की जो नाड़ियाँ होती हैं वो हलचल करने लगती हैं, क्योंकि उन हर जगह यानी पूरे शरीर में प्राणवायु भरी होती है। प्राणवायु प्राण का और मन का आपस का बहुत बड़ा मेल है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। आप मन को जहाँ पर केंद्रित करेंगे और अभ्यास करेंगे उस जगह वो क्रियाशील होता हुआ उसे अनुभूति होगी अभ्यासी को। तो फिलहाल इतना, यानी नए साधक को धीरे धीरे सिर के ऊपरी भाग में गुदगुदी होती हुई महसूस होगा, लेकिन ऐसा कभी भ्रम में ना पड़े कि उनका कोई ब्रह्मरंध्र खुल गया है या सहस्रार। बहुत से साधक मेरे से मिले वो भ्रम में हो जाते हैं, वो मंत्र के कारण, या मंत्र नहीं भी अगर बोलते हैं तो ध्यान में जब मन को सिर के ऊपरी भाग में केंद्रित करते हैं अथवा आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं तब भी नाड़ियों के अंदर गुदगुदी सी, खुजली सी या अन्य हलचल महसूस होती है, और ध्यान के अलावा भी महसूस होती है। मैं यही बताना चाहूँगा, एक बार मैं फिर ओम मंत्र को बोलता हूँ, फिर सभी लोग एक साथ बोलने का प्रयास करें और कोशिश करें जब ओम शब्द का आखिरी आ जाए ओम, तो ओंठ बंद होने चाहिए मकार के समय, माँ बोलते समय जैसे ना ओम ओंठ बंद। और कोशिश करें सभी साधक कि सभी का स्वर एक साथ ही निकले, आगे पीछे ना करें, ठीक है। एक बार मैं फिर बोल के बता रहा हूँ, और किसी का अगर कुंभक ज़्यादा लगता है तो वो तो देर तक ओम बोलेगा, तो वो भी कोशिश करे कि छोटा ही बोले, यानी सभी के साथ मतलब मिला के बोले। ये नहीं कि किसी का कुंभक, किसी ने अभ्यास ज़्यादा कर लिया तो देर तक बोलने की क्षमता बढ़ जाती है, ऐसा ना करे। सभी के साथ एक साथ यानी ध्वनि आनी चाहिए। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.